सभी को राधे राधे। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में एक बहुत ही खास धन योग के बारे में जानेंगे। खास इसलिए क्योंकि इसके फल थोड़े से अलग हैं। फल क्या है वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद में हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे कि कुंडली में ये योग कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले फल जानते हैं। तो ऐसे जो भी व्यक्ति होंगे जिनकी भी कुंडली में ये योग पाया जाएगा, 30 की उम्र को क्रॉस करने के बाद, मतलब 30 की उम्र जैसे ही उनकी पूरी होगी उसके बाद अचानक से उनको सडन धन का लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर वो जॉब पर हैं तो अचानक से उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अच्छी सैलरी पे, या अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको एक बहुत बड़ा बिजनेस का लाभ मिलेगा। धन का उसमें रोल मुख्य रहेगा क्योंकि धन ही ये योग देता है। ठीक, तो कुल मिला के पद में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ में धन का भी लाभ मिलता है और बिल्कुल सडन मिलेगा। और लगभग 30 से 40 की उम्र तक, मतलब लगभग 10 से 11 साल का पीरियड जो रहेगा ऐसे व्यक्तियों का, उसमें ये योग लगातार अपना वर्क करता रहता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, अब बात कर लेते हैं उन शर्तों की। तो ये लग्न चार्ट है आपका, यहाँ पर आपकी लग्न कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज का जो ये योग है ये भाव आधारित है, मतलब ये जो खाने आप देख रहे हैं उन पर आधारित है। ठीक, तो लग्न कोई भी हो, उसमें कोई भी नंबर लिखा हो, वो आपको नहीं देखना है। हमें बस इन तीन भावों को, मतलब कि ये, ये और ये, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान अपना देना है और उसके बाद इसमें ग्रहों की स्थिति पर ध्यान देना है। ठीक, तो ये जो पहला हमने निशान लगाया है, यहाँ पर कुंडली में सूर्य ग्रह स्थित होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद में ये जो दूसरा निशान लगाया है, यहाँ पे चंद्रमा होना चाहिए आपका। ठीक, उसके बाद में इस जगह आपका गुरु या फिर बृहस्पति होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें शर्त है। शर्त ये है कि सूर्य जो है तुला राशि में नीच का हो जाता है, इसलिए वो 7 नंबर पे ना हो, यहाँ पे पहला पॉइंट। गुरु क्या है, गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है, यानी कि 10 नंबर पे। गुरु 10 नंबर पे नहीं होना चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, यानी कि 8 नंबर। इसको 8 नंबर की राशि को वृश्चिक बोला जाता है, 10 को मकर, 7 को तुला। तो इन तीन ग्रहों की स्थिति इन राशियों पर ना हो, बाकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलना है। मिलना कब है अब वो जान लीजिए कि लगभग कौन सी दशा में मिलेगा। तो इन तीन ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए चंद्रमा आपका उच्च का है, तो चंद्रमा की दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा में आपको वो लाभ, सडन लाभ मिलेगा धन का। धन के साथ साथ भाग्य का लाभ भी मिलेगा। पद और धन दोनों में वृद्धि करता है ये योग। ठीक, तो उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ना समझ आया हो तो एक बार फिर से देखें, बहुत ही सरल तरीके से बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।